हेलो बच्चों अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू शायद सरज़ एजुकेशन पॉइंट बेटा दिस क्लास इज़ फॉर क्लास सिकस्थ सेमस्टर सब्जेक्ट इज एजुकेशन यस माय डियर डे बिफोर यस्टरडे सॉरी यस्टरडे आई स्टार्टेड यूनिट नंबर सेकंड तो मैंने यूनिट नंबर सेकंड इंट्रोड्यूस किया था और मैंने यूनिट नंबर सेकंड में आपको ये भी कहा था कि हमें किन किन टॉपिक्स को दिमाग में रखना है और उन टॉपिक्स में से जो हमारा पहला टॉपिक है बेसिकली यूनिट नंबर सेकंड जो है वो क्या है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ़ यूनिट नंबर सेकंड दैट इज़ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन ये बात भी हमने ऑलरेडी की है यूनिट नंबर फर्स्ट में लेकिन मैंने आपको वहाँ पे भी बताया कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को हम पहले अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो चलते बेटा विदाउट एनी डिले वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर सेकेंड और यूनिट नंबर सेकेंड में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन ये बेसिकली आई एम आउट ऑफ होम सो आई एम प्रिपेयरिंग दिस फ्रॉम द नोट्स मैंने यहाँ पे बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया आई होप बेटा यू विल कंसिडर इट और आप अब बहुत अच्छे से इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा रहा ठीक है तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं देखिए भाई एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कि मैंने आपको कल ही कहा था लेकिन आज थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ये मैंने नोट्स से ही लिया है जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं और जो आपके ऐप पे भी अवेलेबल हैं वो वहाँ से आप इसको हासिल कर सकते हैं देखिए भाई आराम से समझने की कोशिश करेंगे जब हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को अंडरस्टैंड करते हैं आपको क्या लगता है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब क्या है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब ये नहीं है कि बच्चा अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहा है वो प्रॉब्लमेटिक है नहीं बेसिकली मैंने आपको कल ही कहा था जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो है यहाँ पे मैंने इस तरह बनाया बेल शेपड करो दिस इज़ पॉजिटिव डिविएशन एंड दिस इज़ नेगेटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन में बेसिकली आपको नेगेटिव बिहेवियर वाले बंदे आएंगे और पॉजिटिव वाले में आपको पॉजिटिव वाले बंदे आएंगे तो पॉजिटिव इज़ गुड इट इज़ गुड बट यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है बच्चे के बिहेवियर के ऊपर और यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है जो बीच में ये पोर्शन बच जाता है इसको हम नॉर्मल कहते हैं तो अगर हम देखेंगे जनरली कैटेगोराइज करेंगे तमाम पर्सनस को तो या तो हमें मेंटली रिटार्डेड मिलेंगे नेगेटिवली एक्सेप्शनल या तो हमें पॉजिटिवली एक्सेप्शनल दिखने को मिलेंगे या देयर इज ए कैटेगरी दैट इज क्वाइट नॉर्मल एवरेज राइट तो या ऐसे भी कह सकते हो दिस इज एवरेज दिस इज अबो एवरेज एंड दिस इज बिलो एवरेज ठीक है आई होप बेटा इतना तो आपको समझ आ गया ओके okay, नाउ अगर हम डायरेक्टली चलते हैं अब ये एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब क्या है यहाँ पे आज मैंने बोर्ड पे क्लास नहीं दे रहा हूँ मैं नहीं ले रहा हूँ बोर्ड पे क्लास तो इसलिए ये जो क्लास है पाँच या छः मिनट होगी या ज़्यादा से ज़्यादा दस मिनट होगी क्योंकि मुझे पता है कि भाई बहुत सारे बच्चों को इस तरह से समझ नहीं आता मुझे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कि मुझे मतलब मैं बोर्ड पे ज़्यादा लाइक करता हूँ इस तरह मैं लाइक नहीं करता हूँ मैं ये क्लास तभी मतलब ऐसे अपलोड करता हूँ जब मैं घर में नहीं होता हूँ तो चले बेटा कोई दिक्कत नहीं सो मैं आपको एंगेज रखना चाहता हूँ बाई एनी मीन्स तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से आप फोकस करेंगे अब समझने की कोशिश करेंगे ठीक है देखिए इन एजुकेशन एंड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या चाइल्ड बोल सकते हो मे बी डिफाइंड एज वन डिफर्स सो मच फ्रॉम हिज पीयर एज ग्रुप इन रेस्पेक्ट टू physical mental and social characteristics so that he is unable to is able to develop his fullest potential under normal conditions in the ordinary classroom okay dan se dekh le beta ye jo exceptional children hain हर किसी बच्चे में आपको बहुत सारी डोमेनिज developmental domains देखने को मिलेंगी एक डोम है फिज़िकल डोमेन, मेंटल डोमेन सोशल डोमेन अब ये एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वो बच्चे हैं जो फिज़िकली डिफरेंट हो मेंटली डिफरेंट होते हैं सोशली डिफरेंट होते हैं ठीक है सोशली डिफरेंट है, होते हैं और इनको हम ईजीली कैटेगोराइज़ कर सकते हैं डिफरेंस दिखा सकते हैं फ्रॉम वट नॉर्मल पर्सनस या नॉर्मल चिल्ड्रन एक्सेप्शनल का मतलब क्या है वन हु डिवेड्स फ्रॉम द नॉर्मल अब देखिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो बताई अगर ये डिवेट ऐसे हुआ इसको हम कहेंगे नेगेटिवली डिट अगर ये इस तरह से डिवेट हुआ पॉजिटिव साइड तो इसको हम पॉजिटिवली फिज़िकल आस्पेक्ट उसका अच्छा है मेंटल सेटअप अच्छा है या सोशल कैरेक्टरिस्ट अच्छे हैं तो इसको हम रखेंगे पॉजिटिव कैरेक्टर में या ये इसका सोशल बिहेवियर अच्छा नहीं है मेंटली ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है या सोशली ये प्रॉब्लमेटिक है इसको हम नेगेटिवली एक्सेप्शनल कहेंगे तो हमेशा याद रखना एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को हम खाली नेगेटिव नहीं बताते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव नॉट ऑलवेज इट मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव समझ आ रहा है दूसरा पॉइंट इसी में हम आपको बताएंगे हाँ इनको हम नॉर्मल क्लासरूम एक और एक कॉन्सेप्ट आपको लास्ट में पढ़ना है दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हर किसी बच्चे को चाहे वो नॉर्मल हो एबनॉर्मल हो अबो नॉर्मल हो इनको हम एक ही क्लासरूम में पढ़ाते हैं इनक्लूड हम सबको इंक्लूड करते हैं एक ही नॉर्मल क्लासरूम में इसको हम नॉर्म इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं तो वो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पहले हम समझते हैं बेटा एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब क्या है देखिए एक्सेप्शनल चिल्ड्रन डिवेट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द नॉर्मल वन्स अभी मैं डायग्रामेटिकली मैं सिखा रहा था द डिवेशन में फॉल ईदर एंड अभी कहा ना मैंने किसी भी एंड फॉर अब और फॉर बिलो द एवरेज देखिए फिर से ये नॉर्मल हो गया ना तो या तो ये अबो नॉर्मल फॉल करेंगे या तो बिलो नॉर्मल फॉल करेंगे तो इट मे बी नेगेटिवली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन और इट मे बी पॉजिटिवली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर वेरी गुड सोनाइस ऑफ यू द वर्ड एक्सेप्शनल चाइल्ड मे बी हैज़ बिन डिफाइनड डिफरेंटली बाई डिफरेंट पर्सनस देखिए बहुत सारे पर्सनस आपको मिलेंगे बहुत सारे साइकोलॉजिट्स आपको मिलेंगे जिन्होंने एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को अलग अलग तरीकों से क्या डिफाइन किया है तो यहाँ पर मैंने दो तीन डेफिनेशनज आपको बताए हैं तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तो चले बेटा फर्स्ट डिफिनीशन जो है किसकी है अकॉर्डिंग टू क्रूकशैंक तो अकॉर्डिंग टू क्रूकशैंक एन एक्सेप्शनल चाइल्ड इज ही हु डिवेट्स फिजिकली इंटलेक्चुअली इमोशनली सोशली सो मार्केडली फ्रॉम वट इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब क्या है या तो वो ज़्यादा जीनियस होगा या तो वो ज़्यादा डल होगा अगर ज़्यादा डल होगा इसको लर्निंग में प्रॉब्लम होगी सोशल में प्रॉब्लम होगी इमोशनज़ में प्रॉब्लम होगी मैंटेलिटी में प्रॉब्लम होगी इसको हम नेगेटिव एक्सेप्शन कहेंगे या तो वो ज़्यादा जीनियस होगा उसमें डिसीजन मेकिंग हाई होंगे इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा आई ज़्यादा होगा तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन समझ आया तो क्रेक्रूक शैंक यही कहता है कि एक्सेप्शनल चाइल्ड वो है जो डिवेट होता है फिजिकली इंटेलेक्ट, डिवेट यानी इधर राइट और लेफ्ट ये दोनों चीज़ों को आपको ख्याल रखना है या तो ये ज़्यादा फिजिकली डिविट होंगे या तो कम काम अगर होंगे तो इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इनमें कम होगी या तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ज़्यादा होगी या तो वो फिजिकली अनफिट होंगे या तो फिजिकली ज़्यादा फिट होंगे या, तो या तो वो सोशली फिट होंगे या तो वो सोशली अनफिट होंगे तो दोनों चीज़ें इसमें आते हैं समझ आया ये क्रूक की डेफिनेशन है सो so नाइस nice. तो चलते हैं बेटा दूसरी डेफिनेशन की ओर वर्ड्स ऑफ क्रिक क्रिक भी एक साइकोलॉजिस्ट है वो कहता है एक्सेप्शनल चाइल्ड इज दैट चाइल्ड हु डिवेट्स फ्रॉम द नॉर्मल चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटल कैरेक्टरिस्टिक सेंसरी एबिलिटी न्यूरोमस्क्यूलर और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सोशल और इमोशनल बिहेवियर कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड मल्टीपल हैंडीकैप्स देखो बेटा ये डेफिनेशन और क्रूक्षा की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है लेकिन यहाँ पे इसने वर्डिंग को एक्स्ट्रा बताया है तो अगर कल जाके आपको ये क्वेश्चन आता है कि आपको डिफाइन करना है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बट एज पर द क्रिक आपको ये वाली डिफिनीशन ज़रूर लिखनी है आपको सेंसरी एबिलिटीज़ को भी लाना है न्यूरो मस्क्यूलर को भी लाना है कम्युनिकेशन स्किल्स को भी लाना है मल्टीपल हैंडी को भी लाना है तो ये सारी चीजें आपको इसमें इंक्लूड करनी है तो क्रिक की डेफिनेशन भी यही है जो क्रूक ने दी है फर्क सिर्फ इतना है इसमें इसने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लाए हैं बाकी कुछ नहीं है ओके okay, अब आप देख सकते हैं लास्ट क्रो एंड क्रो तो क्रो एंड क्रो कहता है दैट द टर्म टिपिकल और एक्सेप्शनल इज अप्लाइड टू ए ट्रेड यहाँ पे ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है ये बेसिकली एक्सेप्शनल जो है ना ये वो ट्रेड है और टू ए परसन पोजिस द ट्रेड बेसिकली जो ये ये ट्रेड्स है जो इंसान के अंदर होते हैं इफ़ द एक्सटेंट ऑफ डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल पोजिशन ऑफ दैट इज सो ग्रेट दैट बिकॉज ऑफ इट द इंडिविजुअल वांट्स एंड रिसीव स्पेशल अटेंशन फ्रॉम द बिहेवियर रिस्पॉन्स एंड एक्टिविटीज एंड देयर बाई अफेक्टेड देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की ये बेसिकली जो वर्ड एक्सेप्शनल है ये टिपिकल वर्ड जो है इंसान के अंदर कुछ ट्रेड्स होते हैं वो ट्रेड्स होते हैं जो दूसरे बंदे जब इस बंदे को देखते हैं तो वो स्पेशली अटेंशन उसको देता है आई विल ग सिंपल एग्जाम्पल क्लास रूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं मैक्सिमम सारे बच्चे एवरेज होते हैं लेकिन एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर जब उनको देखता है तो वो स्पेशली अटेंशन उनको देता है क्लास रूम में या तो बच्चा ज़्यादा काबिल होगा तो टीचर को वेल well प्रपेयर्ड क्लासरूम में एंटर होना है या तो कोई डल बच्चा होगा तो टीचर को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा उस बच्चे पे तो दोनों चीज़ों को लेकर चाहे वो जीनियस हो चाहे वो डल हो दोनों बच्चों को ये ये उनकी दरअसल उनमें प्रॉपर्टीज़ है उनमें ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से टीचर जो है पर्सन जो है इसको स्पेशली अटेंशन दिया जाता है तो ये क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है तो बेटा कंक्लूजन में हम देख सकते हैं बेस्ड ऑन द अबोव डेफिनेशन तो जो अबोव डेफिनेशन हमने आपको मतलब आपके साथ डिस्कस की हमें क्या पता चलता है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो है ब्रॉडली क्लासफाइड इनटो या तो फिजिकली हैंडी या मेंटली फिजिकली डिफरेंट बोल सकते हैं मेंटली डिफरेंट या गिफ्टेड होंगे सिंपली यार जो मैंने आपको कहा था ऐसे नॉर्मल गिफ्टेड टली रिटार्डेड समझ आए बेटा तो आप ये ये था दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एक्सेप्शनल चिल्ड्रन तो इनशाला कल हम डायरेक्टली आते हैं सिलेबस की ओर तो सिलेबस में कल हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हमें क्या क्या देखना है पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं उसके बाद हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे तो ये दूसरा पार्ट इसका हो गया एंड देन इनकी एजुकेशन डियर तो हम इनको कैसे एजुकेट कराएंगे या व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजन ऑफ आर द गिफ्टेड चिल्ड्रन राइट तो बिल्कुल ऐसे ही होगा तो ये बिल्कुल मैंने नोट्स से ही लाए हैं तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा इनशा तो मिलते हैं इनशाला कल तो थैंक यू मे अल ब्लेस यू एंड कीप ऑल इज़ लर्निंग